फिर से रुख करते हैं टाटा ग्रुप डेवलपमेंट्स का। It's a huge honor and privilege to be appointed first to the board of Tata Sons and now to be chosen as the chairman of Tata Sons. It is a rare privilege and it is a huge responsibility. और टाटा ग्रुप को मिला है नया बॉस, या फिर कह सकते हैं कि एंड चंद्रशेखरन टाटा सन्स के नए चेयरमैन होंगे। पहले नॉन पारसी जो कि चेयरमैनशिप संभालेंगे, 21 फरवरी से वो कार्यभार संभालेंगे। लेकिन ये डिसीजन जो लिया गया, इसके पीछे की वजह, इसकी इंपॉर्टेंस और की चैलेंजेस क्या होंगे, इन सभी एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर वीआर मेहता हैं, दोराबजी टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी। मिस्टर मेहता, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। थैंक यू, आपने समय दिया जी बिजनेस को। सर, पहला सवाल तो यही रहेगा कि एन चंद्रशेखरन को चुना गया है और जो बाकी कंटेंडर्स थे उनके सामने वो भी काफी सीरियस कंटेंडर्स थे, तो इस चॉइस के पीछे के रीजंस आपको क्या लगते हैं और उनके सिलेक्शन पर आपके पहले कमेंट्स क्या हैं? देखिए, गुड मॉर्निंग टू यू। मैं ये कहूँगा कि सिलेक्शन के रीजंस जो हैं वो तो सिलेक्शन कमेटी को ही मालूम होंगे, और बाकी जो है मैं ये कह सकता हूँ कि श्री चंद्रशेखरन का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दो बड़ी क्वालिटीज़, दो बड़ी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं। पहला कि वो टाटा ग्रुप के आदमी हैं, 30 साल से टाटा ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो वो टाटा ग्रुप के वैल्यू सिस्टम, उनके कल्चर, उनकी इथॉस, उससे सबसे परिचित है, पूरे संपूर्ण तरह से परिचित है। तो इसलिए उनको काम करने में, इन सब की मद्देनज़र काम करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये है कि श्री चंद्रशेखर का आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एक बहुत ही सक्सेसफुल लीडर का है। एक तरह से समझिए कि अब वो आज आइकॉनिक लीडर बन गए आईटी में। तो इसलिए उनको इस नए स्थान में टाटा सन्स ग्रुप के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अगर देखें हम, तो वो वही लीडरशिप क्वालिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसलिए ये टाटा सन्स के लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन सर, अब इम्पोर्टेंट और मेजर चैलेंजेस आप क्या समझते हैं जो चंद्रशेखरन साहब के सामने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से पिछले कुछ 3 महीने 4 महीने का समय बीता है टाटा ग्रुप के लिए, वो कुछ इतना समय अच्छा समय नहीं था, और इनफैक्ट पूरे ही अभी तक के लाइफ स्पैन में हमने कभी भी टाटा ग्रुप को इतनी बड़ी चुनौती से गुजरते नहीं देखा। तो अब मेजर चैलेंजेस क्या होंगे नए चेयरमैन साहब के लिए? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने काफ़ी संघर्षपूर्ण रहे टाटा सन्स के लिए, टाटा ग्रुप के लिए, और जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुए वो ना होते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उसको हैंडल करना भी एक बड़ी आर्ट होती है, और उसको आप सब कुछ देख सकते हैं, आप सब लोग देख सकते हैं अब कि कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया और कितना जल्दी उन्होंने नया चेयरमैन सेलेक्ट किया है। 4 महीने का समय मांगा था, लेकिन 2.5 महीने में ही उन्होंने वो कर दिया। दूसरी बात, आपने चैलेंजेस की पूछी, तो इतने बड़े ग्रुप में हर समय चैलेंजेस भी होते हैं, हर समय अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, और आज भी वही स्थिति है। ये अलग बात है कि अभी पिछले 2-3 महीने में जो घटनाएं घटी उसमें कई चीज़ें लोगों ने उठाई, और वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सब चीज़ें सही हो, लेकिन फिर भी हर ऐसे चुनौती में कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं समझता हूँ अगर मैं उनकी जगह होता तो इन सब चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से देखूँगा
कि कहाँ उसमें हमको सीखने की मौका, सीखने का मौका है, और वो तो करेंगे ही, और साथ में उससे बड़ी चुनौती उनकी ये है कि ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसे बढ़े, सब शेयर होल्डर्स के लिए, सब स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू एडिशन कैसे हो। तो मेरे हिसाब से ये दोनों ही चैलेंजेस उनको हैंडल करने पड़ेंगे, जो घटनाएं घटी उससे जो सीख ले सकते हैं, और ग्रुप को आगे कैसे बढ़ाना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जी। मिस्टर मेहता, एक चीज़ और, अब सिलेक्शन कमेटी ने चंद्रा जी को पिक करके एक क्लियर मैसेज तो स्टेक होल्डर्स को देने की कोशिश की है कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना है जिन्होंने TCS जैसे ग्लोबल एंटरप्राइजेस को बहुत स्ट्रांग पोजीशन में पहुंचाया है वेरियस ज्योग्राफीज में। लेकिन क्या आपको लगता है कि TCS की इमेज, माफ कीजिए, टाटा ग्रुप की जो इमेज है वो पिछले 2-3 महीने में उस पर असर जरूर पड़ा है, विदेशी निवेशकों के बीच में भी और तमाम स्टेक होल्डर्स के बीच में भी, तो इस इमेज रिबिल्डिंग प्रोसेस के लिए क्या आपको लगता है कि कुछ अर्जेंट डिसीजंस उनको इमीडिएटली लेने पड़ेंगे? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से, मेरे सोच के हिसाब से मेरे को ये लगता है कि उनको इतना जल्दी सेलेक्ट करके और उनकी इतनी क्वालिटीज़ दे के सेलेक्ट जो किया है, और उनका एक्सपीरियंस और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ दे के सेलेक्ट किया है, ये खुद ही एक इतनी बड़ी चीज़ हुई है कि जो शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को भारत में, भारत के बाहर जो भी थोड़ी बहुत शंकाएं होने लगी थी वो अपने आप में ही बहुत सारी मिट जाएंगी, और बाकी वो उनको दिख रहा है सामने कि जिस इंसान को लाए हैं वो अब टाटा सन्स को हेड करने के लिए, उसको ग्रुप को चलाने के लिए, उनमें वो सब लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। हिंदुस्तान में भी उन्होंने काम बढ़ाया, विश्व भर में काम बढ़ाया TCS का, तो इससे उनको अगेन आश्वासन रहेगा कि इस सब में ग्रुप काफ़ी अच्छी तरह से आगे चलेगा, और जो ये पिछले कुछ महीनों में जो घटनाएं घटी वो तो एक समझ लीजिए इतिहास बन गया आज। राइट, मेहता साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए और आज के दिन हमसे बात करने के लिए, और जो आपने बात की लीडरशिप क्वालिटी की उसका एक मिसाल है इनफैक्ट मिस्टर चंद्रशेखरन, क्योंकि कोई मैनेजमेंट की पढ़ाई नहीं की लेकिन इतनी बड़ी कंपनी को संभाला, नई ऊंचाइयों पर ले गए, और अब देश के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट की कमान उनके हाथ में है, तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग ग्रोथ स्टोरी एक है, और उनकी खासतौर से उनकी